देखिए मेरा ये कहना है कि ये कोई पहली घटना नहीं है, हाथरस का कांड कोई पहला कांड नहीं है, और इसके पहले लखीमपुर खीरी में एक दलित बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, उसके शरीर को छत बिछत कर दिया गया। जौनपुर के मड़ियाओं में एक दलित बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, उसके शरीर को छत बिछत कर दिया गया। पटरौना में रोहिणी एक लड़की के साथ छेड़खानी लगातार होती रही, वो थाने पर जाती है, बार बार शिकायत करती है, जब उसकी सुनी नहीं गई तो अपने आप को आत्मदाह कर लेती है। ये हो रहा उत्तर प्रदेश में, मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है, और इस पूरी घटना में योगी जी स्वयं जिम्मेदार है इन अपराधियों इन दरिंदों को बचाने के लिए, क्योंकि कोई कार्रवाई 14 तारीख से 28 तारीख तक ऐसी आपके द्वारा नहीं की गई, और उसके जीवित रहने से मरने तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई जिससे ये लग सके कि आप उनके साथ रोहित अब ये सुनिए आप कुछ गलतियां हुई है आपकी, इस बात को आप कुछ कितना कर रहे हैं, सुन रहे आप सुन रहे हैं, ये संवेदनशील प्रशासन है इनका, ये संवेदनशील प्रशासन है रोहित जी इनका। रोहित जी कल रात में एक पुलिस का अधिकारी उस बेटी के घर पर, जिसकी सामूहिक गैंगरेप के बाद मौत हो जाती है दुखद, उसके घर पे पहुंच के कह रहा है आप लोगों से भी कुछ गलतियां हुई हैं, इसको स्वीकार कीजिए। क्या गलती है उस बेटी की? ये कि उसकी गर्दन तोड़ दी गई, ये कि उसकी जीभ काट दी गई, ये कि उसने गरीब परिवार में दलित बेटी दलित के परिवार में जन्म लिया, क्या गलती है उस बेटी की मैं पूछना चाहता हूँ, बताएं मंत्री जी, योगी जी बताएं क्या गलती है। ये कि उसकी 8 दिन बाद FIR दर्ज हुई, ये कि वो एक आदमी को अभियुक्त बनाया गया, बाद में जब मीडिया का दबाव बना तब 3 लोगों को अभियुक्त बनाया गया, ये उसकी गलती थी कि उसको इलाज ठीक से नहीं मिला और उसकी जान चली गई, क्या गलती थी आप बताइए। आपका पुलिस का अधिकारी जाके कह रहा है, और आप उम्मीद करते हैं इन लोगों से कि वो न्याय देंगे, ये SIT इनको न्याय देगी, इन गरीब लोगों को जिनसे रात में जबरन उनका शव छीन के बेटी का शव छीन के जला दिया। 14 तारीख को गैंगरेप हुआ, गले की हड्डी तोड़ दी गई, जीभ काट दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, सामूहिक बलात्कार के बाद FIR दर्ज नहीं होती, 8 दिन आपको लग जाता है FIR दर्ज करने में, पहले एक अभियुक्त के नाम पे FIR दर्ज होती है, फिर 3 अभियुक्त शामिल किए जाते हैं, अस्पताल में उसको अलीगढ़ रखा जाता है, इलाज ठीक से नहीं दिया जाता, क्या आपकी गंभीरता थी? आपने 28 तारीख को उसको एम्स शिफ्ट करने का पल की कोशिश की, और दलित की एक बेटी को एम्स अस्पताल में एक बेड नहीं मिल पाती, उसको सफदरजंग में रखा जाता है, और जब उसकी जान चली जाती है तो जबरन उसका अंतिम संस्कार करने पे आप तुले रहते हैं, परिवार को दरकिनार करके आप तुझे वो दिखाइए, आप दिखाइए रोहित सरदाना जी, मंत्री जी को भी दिखाइए कि कहां है वो परिवार का वीडियो जिसमें उनका परिवार मुखाग्नि दे रहा हो। अरे आपने जला दिया जबरन, उसके बाद उनसे लकड़ी वहां पे डलवा रहे हैं दाह संस्कार में, और आप कहते हैं परिवार की सहमति से हुआ, परिवार चीख चीख के कह रहा है कि नहीं इसमें जबरन ये अंतिम संस्कार किया गया।